तो कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। स्वागत है सबका द्वारा आज की नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा गूगल ड्राइव का, वो भी पीसी के अंदर। तो इसके जहाँ पे फायदे ये होते हैं कि अगर आपके पास आपका पीसी नहीं है तो आप इंटरनेट की हेल्प से गूगल ड्राइव के ऊपर जाके कहीं भी अपने लैपटॉप के फोल्डर के अंदर किसी भी चीज को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसमें किसी भी चीज को, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो काफी ईजी है, जो गूगल ड्राइव होगा वो भी आपके पीसी के अंदर ही आ जाएगा। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी फोल्डर आप पीसी के अंदर है उसको सिंक कर सकते हैं गूगल ड्राइव के अंदर। दो तीन बंदे अगर एक ही फोल्डर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ये बिल्कुल फ्री है। और इसको कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बता देता हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की होम स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको क्रोम को ओपन करना है और जहां पे हमको टाइप करने का है गूगल ड्राइव फॉर पीसी और ऐसा लिख के हमको यहाँ पे सर्च करने का। सबसे पहले ऊपर जो लिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस लिंक पे हमको ओपन करने का जाएगा डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड करने का है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है, हमारा टाइम जहाँ पे जो है वो बच जाएगा। आप चाहते हैं जहाँ पे शॉर्टकट भी आए आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर तो जहाँ पे टिक कर सकते हैं और उसके बाद आपको जहाँ पे इंस्टॉल करने का है टाइम ले सकता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे साइन इन विद ब्राउजर, इसके ऊपर आपको क्लिक करने का। जो भी आपका अकाउंट जीमेल का है उसको आप जहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरा फर्स्ट वाला ऊपर है मैं इसको जहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको जहाँ पे नेक्स्ट क्या करने का है कि साइन इन करने का है, यू हैव साइन इन टू गूगल ड्राइव। ये मैसेज आएगा गूगल ड्राइव सक्सेसफुली इंस्टॉल, इसको आप क्लोज कर दे और पे क्या करने का है, इसको क्लोज कर दे, ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। और ओपन प्रेफरेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करने का है। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे, इसको आप नो थैंक्स कर दे तो अच्छा है। आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे माई पीसी और यहाँ पे गूगल ड्राइव। ऊपर वाला जहाँ पे जो माई पीसी की बात करो तो एक फोल्डर सेलेक्ट करने वाले हैं, और नीचे वाला जो गूगल ड्राइव है ये वही गूगल ड्राइव है जो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव के ऊपर अंदर जाके जिसमें आप डेटा को स्टोर करते थे। लेकिन हम माई पीसी के लिए जहाँ पे हमने इसको डाउनलोड किया है तो हम माई पीसी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऐड फोल्डर की ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर यहाँ पे बना के रखा है, उस फोल्डर को यहां पे सिलेक्ट करता हूं। तो जैसे कि गूगल ड्राइव, ये कोई ऑटोमेटिक फोल्डर नहीं बना है, मैंने खुद बना के रखा, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर बैकअप टू गूगल फोटो। तो हमको कोई भी फोटो का बैकअप नहीं रखने का, जस्ट जहाँ पे डॉक्यूमेंट है। अगर आप इस पे के ऊपर क्लिक करते हैं बैकअप टू गूगल फोटो तो आपका जो भी फोटो वीडियो होगा वो गूगल की फोटो के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर भी आप फोटो को वीडियो को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करूंगा सिंक विद दी गूगल ड्राइव और जहाँ पे मुझे को डन करने का है। डन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो फोल्डर है वो आ चुका है, ऐड फोल्डर हमने कर लिया गूगल ड्राइव जहाँ पे आ चुका है। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमको करना क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारा पूरा सेटअप है वो रेडी हो चुका है। मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर आया हूं, मैंने एक फोटो को सिलेक्ट किया, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ये वाली फोटो है, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी इस डेस्कपैड के ऊपर, तो इस फोटो को मैं सिलेक्ट करके हमको कॉपी कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसे हमने कॉपी किया तो क्या करेंगे, जो फोल्डर हमने गूगल के साथ सिंक किया था ना उसमें हम पेस्ट करेंगे है गूगल ड्राइव। तो इसमें हमने जो फोल्डर था वो गूगल के साथ इस फोटो को सिंक किया था, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे एक टिक भी बन चुकी है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर हम कुछ पेस्ट करेंगे। तो जैसे जहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं एक आइकन आ रहा है, वो सिंक हो रहा है। बेसिकली जो फोटो है सिंक हो रही है। अभी हम जाते हैं गूगल ड्राइव के अंदर, हम जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, माई पीसी के अंदर जाएंगे, और ये जो गूगल ड्राइव फोल्डर बन चुका है। और अभी हम कुछ टाइम के अंदर ही हमने वहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आ चुकी है, वहाँ पे हमने इसको, ये सेम फोटो है जिसको हमने जहाँ पे पेस्ट किया था, और डायरेक्टली जहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर आ गया माई अपना कंप्यूटर के अंदर। सपोज हम जहाँ पे रिमूव करते हैं, रिमूव का ऑप्शन आता है, हमने जहाँ पे क्या किया कि रिमूव कर दिया। अभी हम क्या करते हैं दोबारा वही फोल्डर के ऊपर जाते हैं जो गूगल ड्राइव फोल्डर हमने बना के रखा था, तो जहाँ से देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी है। अगर हम जहाँ पे क्या करते हैं, एक और मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास ये वाली फोटो है, हम क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करके हम दोबारा क्या करते हैं अपना गूगल ड्राइव के फोल्डर के अंदर डालते हैं जो हमने फोल्डर को सिंक किया है। इस फोल्डर में हम क्या करते हैं कि इस फाइल को हम डिलीट करते हैं। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया। अभी हम जहाँ पे जाएंगे गूगल ड्राइव के अंदर, माय कंप्यूटर के अंदर जो गूगल ड्राइव है, जैसे माय कंप्यूटर के अंदर माय पीसी, तो जहाँ पे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। अगर गलती से वहाँ से कुछ डिलीट भी होता है तो आप जाने का है बिन के अंदर जाएंगे, तो जहाँ से ये देखिए पहले वाली वो है जहाँ पे इसको क्लिक करके रिस्टोर करता हूँ, तो दोबारा वहाँ पे वो क्या करेंगे कि उसी फोल्डर में सेम आ जाएंगे। ये देखिए इस फोल्डर में आ चुकी है, और जो हमारा पीसी के अंदर फोल्डर है गूगल ड्राइव वाला फोल्डर, उसमें भी ऑटोमेटिकली दोबारा
वापस आ चुकी है। तो ये बेसिकली इसका फायदा है कि जब भी आप गूगल ड्राइव को डाउनलोड करके पीसी के साथ सिंक करते हैं तो आप दोबारा ब्राउजर के अंदर जाना नहीं पड़ता, डायरेक्टली आप पीसी के अंदर जो भी फोल्डर बना वहां पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली वो क्या होगा कि आपकी गूगल ड्राइव के अंदर चला जाएगा। जो फोल्डर आपकी ड्राइव के अंदर पड़े हुए हैं जो ऑनलाइन स्टोर किया वो आपको माई ड्राइव के अंदर फोल्डर है वहां पे आपको मिल जाएंगे, जहां से आप देख सकते हैं पूरे फोल्डर वही है। बेसिकली ड्राइव को जहां पे डाउनलोड करने का फायदा यही है कि आपका जितना भी डेटा आप सिंक कर सकते हैं डायरेक्टली, सपोज कोई भी कट कॉपी फाइल कर रहे हो तो आप इसी के अंदर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लाउड के अंदर हो जाएंगी। तो ये काफी फायदा है, यहां से कुछ भी मैं एडिट कट कॉपी पेस्ट करता तो वो अपना ड्राइव के अंदर भी हो जाएंगी, वेबसाइट के अंदर, और मैं पीसी में भी गूगल ड्राइव पड़ा हुआ है उसमें भी ऑटोमेटिकली वो कट कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। तो गूगल ड्राइव का यही फायदा है कि एक क्लाउड सिस्टम आपको फ्री में देखने को मिलता है। आप पीसी के साथ और आपका आईफोन या फिर कोई भी एंड्रॉइड फोन है या फिर ऑनलाइन जो आप गूगल ड्राइव को ओपन करते हो ऑटोमेटिकली पूरा जहां पे जितना भी ड्राइव है वो आपका सिंक होता है। तो बेसिकली यही, अगर कहीं से आपको पता नहीं चला होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कोई भी प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन में आई हो तो। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, कभी कभी क्या होता है कि गूगल ड्राइव के अंदर अगर आपका फोल्डर नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा, तो आप जहां पे क्या कर सकते हैं कि एक राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद फोल्डर के ऊपर जब राइट क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगी सिंक गूगल या फिर बैकअप, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका फोल्डर ऑटोमेटिक ही क्या होगा कि गूगल ड्राइव के अंदर चला जाएगा, उसके साथ सिंक होना जहां पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई नया फोल्डर है उसको भी आप ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस तरह उसको भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यही था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। कोई भी किसी भी तरह का सवाल है या फिर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के वो भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।